नगर परिषद रामपुर की इंदिरा मार्केट में बनी बहुप्रतीक्षित 3 मंजिला कार पार्किंग आखिरकार नीलाम हो ही गई। दूसरी बार नीलामी प्रक्रिया में शुक्रवार को इस पार्किंग के लिए 24 लाख रुपए सालाना में सबसे बड़ी बोली लगाई गई। 3 साल के लिए दी गई इस पार्किंग से नगर परिषद रामपुर शहर की आर्थिक स्थिति सुधरने में बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 3 साल तक इस पार्किंग से 72 लाख रुपए की अतिरिक्त आय होगी। इस नीलामी में 8 बोलीदाताओं ने भाग लिया। नीलामी के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष सुमन घाटा और कार्यकारी अधिकारी हरि शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी हरि शर्मा ने बताया कि बोलीदाता को 5 लाख रुपए नगर परिषद के खाते में तुरंत जमा करने होंगे, बाकी पैसा 1 सप्ताह में जमा करवाना होगा। ये पैसा शहर के विकास कार्यों में खर्च होगा, जबकि सड़कों पर हो रही अनाधिकृत पार्किंग को भी रोका जा सकेगा। नगर परिषद रामपुर शहर की इस पार्किंग में करीब 150 गाड़ियों को पार्क करने की व्यवस्था है। क्षेत्र के लोगों को 24 घंटे सेवाएं देनी होगी। पार्किंग के रेट भी पहले ही तय किए गए हैं, जिसके अनुरूप पहले 4 घंटे के 30 रुपए, 8 घंटे के 50 रुपए, 12 घंटे के 70, जबकि 24 घंटे के लिए गाड़ी पार्क करने के 100 रुपए लगेंगे। वहीं मासिक 1000 रुपए तय किया गया है। रामपुर की इंदिरा मार्केट में नव निर्मित 3 मंजिला कार पार्किंग की दूसरी बार नीलामी की गई। पहली बार नीलामी किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो सकी थी, इसलिए आज दोबारा रखी थी। इसमें जो है आज अधिकतम बोलीदाता ने 24 लाख रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से बोली दी है, जो कि 3 साल के लिए उसी रेट में रहेगी। तो बोलीदाता को, उच्चतम बोलीदाता को आज ही 5 लाख रुपए अग्रिम जमा करने होंगे, उसके पश्चात 1 सप्ताह के अंदर 1 वर्ष की पूर्ण राशि यानी कि 24 लाख रुपए परिषद कोष में जमा करने होंगे। उसके बाद ही सफल बोलीदाता के नाम से पार्किंग का एग्रीमेंट किया जाएगा और उसे जो है काम करने के लिए स्वीकृति दी जाएगी। पार्किंग के रेट नगर परिषद द्वारा निर्धारित किए गए हैं, वो 4 घंटे तक 30 रुपए, 8 घंटे तक 50 रुपए, 12 घंटे तक 70 रुपए और 24 घंटे के 100 रुपया। अगर 1 माह के लिए रखनी है किसी ने गाड़ी तो 1000 रुपए मासिक निर्धारित किया गया है। विकास कार्यों पर भी नगर परिषद को इससे काफी फायदा हो गया है। 24 लाख रुपए जो है वार्षिक अतिरिक्त आय प्राप्त होनी आरंभ हो जाएगी।